भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल में हुआ था। राजा रवि वर्मा ने भारतीय चित्रकला को विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने देवी देवताओं और रामायण महाभारत के पात्रों को अपनी कल्पना से चेहरे दिए। उनके द्वारा बनाई गई पौराणिक पात्रों की चित्रकारी को आज भी एक क्रांतिकारी कार्य माना जाता है। घरों में उनके द्वारा बनाए गए चेहरों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। रवि वर्मा अपने चित्रों में हिंदू पौराणिक कथाओं से पात्रों का चयन करते थे। उन दिनों कैमरे का चलन नहीं था, अतः उन्हें दूर दूर से चित्र बनाने के लिए निमंत्रण मिलने लगे। अनेक राजा महाराजाओं और धनिकों ने उनसे अपने परिजनों के व्यक्तिगत और सामूहिक चित्र बनवाए। 1888 में बड़ौदा नरेश श्री गायकवाड़ ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। वे 2 वर्ष तक वहां रहे और महल की कला दीर्घा के लिए अनेक चित्र बनाए। उनके चित्रों की इतनी मांग थी कि बड़ौदा नरेश ने उन्हें मुंबई में तैल चित्रों की छपाई के लिए प्रेस स्थापित करने की सलाह दी, जिससे उनके चित्र सामान्य लोगों को भी उपलब्ध हो सके। उनके चित्र भारत के अनेक महत्वपूर्ण घरानों, राज परिवारों और कला दीर्घाओं में आज भी सुरक्षित हैं। राजा रवि वर्मा अंतिम समय तक कला साधना करते रहे और 2 अक्टूबर 1906 को उनका निधन हो गया।